मैंने भी अपने सेटअप से दो कबूतर लाए, इनको भी आजाद करा। रामपुरी और आपके? चीन। आपके? अलशाइन। आपके? सफेद। सफेद। ये देखिए बबलू उड़ा उड़ा, आप कितने खुश है ये आज ये परिंदे आजाद करके, तो बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो इन भाई साहब को आप सभी लोग जानते हैं, तो शाहिद भाई हैं, बबलू भाई हैं, तौफिक भाई हैं, और भी हैं, तो आप सब उनको जानते हैं। तो दोस्तों आज इनको छुट्टी थी, तो हमने सोचा इनको एंजॉय करेंगे, आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से एंजॉय करेंगे हम। तो वो एंजॉय कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ डब्बे हैं, इनमें क्या है, तो देखिए बबलू भाई के पास भी एक डब्बा है, तौफिक भाई के पास भी एक डब्बा है, तो इसमें क्या है, हम आगे क्या करने वाले हैं, कैसी होगी ये एंजॉयमेंट, वीडियो को सबके साथ शेयर करें। चले करते आज का वीडियो हम शुरू। तो अभी हम फाइनली यहाँ पे आ गए हैं, इस जगह को पहलब कहते हैं। तो आप देखिए ये क्यूट क्यूट से बच्चे। तो सबसे पहले जाहिद साहब आप हमें बताइए इस डिब्बे में क्या है। पिजन्स हैं। तो आपको तो आज एंजॉय करना था ना पिकनिक, तो इसमें क्यों आपने पिजन्स लाए? आजाद करना है। तो साजिद साहब आपके पास भी हैं कुछ? हाँ, मैंने भी अपनी सेटअप से लाए। आपने भी अपने सेटअप से लाए। ये तौफिक भाई? मैंने भी अपने सेटअप से दो कबूतर लाए। दो कबूतर, इनको क्या करना है? इनको आजाद करना। आजाद करना है। मैंने भी अपने सेटअप से दो कबूतर लाए, इनको भी आजाद करना। कौन सी नस्ल के कबूतर हैं? पहले तौफिक भाई आप बताओ। रामपुरी। और आपके? चीन। आपके? अलशाइन। आपके? सफेद। सफेद। तो ये जुनैद भाई एंजॉय करने आए हैं, वो एक भाई भी तजुमल भाई भी एंजॉय करने आए हैं। तो आप अपने जो कबूतर हैं सभी निकालें, दिखाएं कि कौन कौन से कबूतर लाए हैं आप लोगों ने। ये देखिए भाई, आज इन कबूतरों को आज़ादी मिलने वाली है, आज इनको आज़ाद करेंगे हम। तो इन्होंने सोचा कि एंजॉय भी हो जाएगा, और इनको आज ये छोड़ने वाले हैं कबूतरों को। तो बहुत दूर आए हैं हम यहाँ से, देखिए दोस्तों दूर आए हैं हम, तो इनको हम यहीं से एक एक करके ये जो है छोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इन परिंदों को कौन छोड़ेगा, सबसे पहले कौन उड़ाएगा इन परिंदों को, छोड़ेगा आजाद करेगा सबसे पहले? नहीं, एक साथ सब नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके छोड़ना पड़ेगा। जाहिद साहब, तो जाहिद साहब उठिए आप, तो देखिए रुकिए जाहिद साहब, तो ये देखिए दोस्तों जाहिद साहब करने वाले हैं इसको आजाद। छोड़ो जाहिद भाई, शाबाश, एक कबूतर गया आसमान में, ये लो भाई तू आजाद है। जाहिद साहब कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ये आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं कि बंद अच्छे लगते हैं? आसमान में उड़ते हुए। चलिए बहुत अच्छा, अब तौफिक भाई करने वाले हैं। तौफिक भाई के हाथ में दो है, तौफिक भाई उड़ा दे भाई, ये लो भाई उड़ गए ये दो भी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो देखो जी ये कितने अच्छे लग रहे हैं आसमान में, ये देखिए अभी अभी उड़ रहे हैं ये, उड़ने दो इनको। तौफिक भाई कैसा लग रहा है? इनको आप सच बताओ, इनको उधर बंद करके अच्छा लगता है कि छोड़ के उड़ाने में? तो चलिए अभी साजिद भाई उड़ाओ। ओ ये देखो भाई, साजिद ने भी उड़ा दिए दो कबूतर, माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए अभी मिल रहे हैं ये सारे कबूतर, तो ये अपनी अपनी जगहों पे, अभी फाइनली एक है, ये है बबलू। बबलू रुको बबलू, क्या कैसा फील हो रहा है? ये कौन सा कबूतर है? चीन है। ये देखिए यार बबलू का देख, ये देखिए बबलू उड़ा बबलू, याहू बबलू ने भी उड़ा दिया यार, ये कितने के यार, मुझे बोलो कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को। ये देखिए बबलू कैसा मतलब लग रहा है उड़ा के ये सब है? ये देखिए इनके चेहरे देखो आप यार, कितने खुश है ये आज ये परिंदे आजाद करके। तो बहुत ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने, आई होप कि इस वीडियो को आप सब लोग सपोर्ट करेंगे। ये देखिए इनके हंसते हुए चेहरे, ये सभी हंस रहे हैं क्योंकि इन्होंने आज परिंदों को आजाद कर दिया, कबूतरों को आजाद कर दिया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल हम अब एंजॉय करेंगे, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।